हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग परीक्षा के पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं और वो सब चीज़ें ही पढ़ लेते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं होती, और फिर हम कहते हैं कि यार हमने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन मार्क्स बहुत कम आए। तो मेरा आपको व्यक्तिगत सुझाव है कि आप कम खाइए, अच्छा खाइए, उसी तरह से पढ़ाई भी आप भले कम पढ़ें लेकिन स्मार्टली पढ़िए, अच्छा पढ़िए, और जो चीज़ें परीक्षाओं में आने की संभावना ज़्यादा है उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए, इसी तरह के हम आपके लिए लेके आए हैं 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो संबंधित हैं पुरस्कारों से और जो पूछे जाएंगे इस वर्ष होने वाली परीक्षाओं में। तो पहला, स्वर्गीय स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2017 किसे दिया गया। तो जी हाँ, ये पुरस्कार दिया गया राज्यसभा सांसद रेखा को, और ये दिया गया था 16 दिसंबर 2017 को, और सिनेमा के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया। 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2017 भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा यह पुरस्कार दिया गया प्रसिद्ध बंगाली कवि जॉय गोस्वामी को, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दू दोंदो होबरा मात्रो, इसके लिए इनको दिया गया 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार। सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2017 ये दिया गया प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को, और उन्हें यह पुरस्कार यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में शरणार्थियों और विस्थापित लोगों के अधिकारों हेतु संघर्ष के लिए दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा कई पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। भारत भारती सम्मान 2017 दिया गया डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। लोहिया साहित्य सम्मान 4 लाख रुपए की राशि, आनंद मिश्र अभय, इन्हें दिया गया लोहिया साहित्य सम्मान। हिंदी गौरव है वो है 27वां व्यास सम्मान 2017, यह दिया गया हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार ममता कालिया, और यह पुरस्कार उनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए दिया जाएगा, और पुरस्कार के तहत उन्हें प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 3.5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा द साइलेंस ब्रेकर्स 2017 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। साइलेंस ब्रेकर शब्द ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने यौन शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और ऐसे बड़े बड़े व्यक्तियों के चरित्र का पर्दाफाश किया जिनके बारे में लोग कुछ बोलने से भी डरते हैं। मिस यूनिवर्स 2017, जी हाँ, 66 जो इसका एडिशन था, दक्षिण अफ्रीका की डेमी ले नील पीटर्स को मिला, और ये जो प्रतियोगिता थी ये संपन्न हुई अमेरिका में लॉस वेगास में, और जो दूसरे पायदान पे इसमें रही उपविजेता रही वो रही कोलंबिया की, और प्रतियोगिता में भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रही थी वो थी श्रद्धा शशिधर। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस साल की परीक्षाओं में। मिस यूनिवर्स 2017, आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लें, दक्षिण अफ्रीका की डेमी ले नेल पीटर्स, इन्हें मिला 2017 का मिस यूनिवर्स खिताब। और मिस वर्ल्ड 2017, इसका जो 77th एडिशन था ये चीन में हुआ, और ये खिताब जीता है भारत की मानुषी छिल्लर ने। और एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये देश की 6वीं भारतीय हैं जिन्होंने यह प्राइज जीता है। इसके पहले 1966 में रीता फारिया, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, और वर्ष 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने यह पुरस्कार जीता था। इसमें उपविजेता रहीं मैक्सिको की एंड्रिया मेजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस अर्थ, ये देखिए तीनों पुरस्कार बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसको आप जरा अच्छे से गौर कीजिए। मिस अर्थ 2017 फिलीपींस की कारेन इवास्को को मिस अर्थ 2017 का खिताब दिया गया, और इसमें तीन और पुरस्कार दिए गए। एक दिया गया मिस अर्थ एयर, ये मिला ऑस्ट्रेलिया की नीना रॉबर्टसन को।
इसी तरह से कोलंबिया की जूलियाना फेंको को मिला मिस अर्थ वाटर तथा रूस की लाडा अकिमोवा को मिस अर्थ फायर। और फिलीपींस में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया वो किया सान सुहास कुमार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौशाद सम्मान जो 2017 के लिए दिया गया ये मिला प्रसिद्ध अभिनेत्री व सांसद हेमा मालिनी को। यह सम्मान उन्हें उनके नृत्य कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2017 यह पुरस्कार दिया गया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और यह पुरस्कार विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिन्होंने समाज सेवा निःशस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रपति महोदय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और एक स्वर्ण पुरस्कार दिया जाता है जो मिला है मास्टर आकाश मनोज तमिलनाडु के हैं ये। और इसके अलावा जो अन्य पुरस्कार मिले हैं उसमें जो महत्वपूर्ण नाम है वो है सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जी हाँ लोक प्रशासन प्रबंधन व अकादमिक उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2017 का प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार में 5,00,000 रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। अगला पुरस्कार है कालिदास सम्मान 2017 नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक राम गोपाल बजाज। मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान दिया है राम गोपाल बजाज को। एशिया बीमा उद्योग पुरस्कार 2017 सिंगापुर में आयोजित 21st एडिशन में एशिया बीमा उद्योग पुरस्कार जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर श्रेणी में अपोलो म्यूनिक स्वास्थ्य बीमा कंपनी को सम्मानित किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वर्ष 2017 के राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया शांतिलाल गुलाबचंद सिजेनियन रामू व शोभा विद्यार्थी। बच्चों की सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है और इसमें 1,00,000 रुपए की नगद राशि चांदी की प्लेट एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इन्फोसिस पुरस्कार इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2017 के लिए इन्फोसिस पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस वर्ष इसके लिए 6 लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है। इसमें पुरस्कार 2017 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय संस्कृत संबंध परिषद का 3रा गणमान्य भारतविद पुरस्कार जापान के प्रोफेसर हिरोश मारुई को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विदेशों में कार्यरत भारतविदों को भारतीय दर्शन इतिहास कला संस्कृत भाषा साहित्य सभ्यता एवं समाज आदि के अध्ययन शिक्षण शोध में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह से हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तत्काल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी नए वीडियो उपलब्ध कराए जाएं उसकी जानकारी मिलती रहे। और फ्रेंड्स हमारा प्रयास है कि आपको इसी तरह जानपरक वीडियो लेके आएं जिससे आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको मदद मिल सके। तो एक बार फिर से आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को आप इसे शेयर करें वीडियो को लाइक करें।